दोस्तों बात चाहे बॉलीवुड की करे या रियल लाइफ की करे, अगर आपके पास टैलेंट है और सामने वालों को लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा ऊपर चले जाएंगे या आपको ज्यादा फुटेज मिल जाएगी, इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, तब लोग आपकी टांग खींचने लगते हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है, क्योंकि लोग टैलेंट को बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं। ये मुझसे आगे कैसे निकल जाएगा, इसको इतनी फुटेज कैसे मिल जाएगी। तो ऐसी कुछ कहानी सुना रहे हैं अपार शक्ति खुराना, जो कि आयुष्मान खुराना के भाई है और उतने ही टैलेंटेड है जितने आयुष्मान खुराना है। कई सारी फिल्मों में आप इन्हें देख चुके हैं, 18 से 20 फिल्में ये कर चुके हैं, लेकिन एक कहानी बताते हुए ये बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। और ये कहानी ऐसी है कि किसी को भी बुरा लग जाएगा। कहते हैं कि एक बार मैं अमृतसर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और मेरी ही एक फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च के मौके पर मुझे जाना था। मैं मुंबई पहुंचा अमृतसर से फ्लाइट लेकर, बकायदा कपड़े वगैरह सेट किए, अच्छे टीम के साथ मैं वहां पर पहुंचा। लेकिन स्टेज पर पहुंचने के 3 मिनट पहले जो उस फिल्म का लीड एक्टर था और एक्ट्रेस थी, जो भी थे, इन लोगों की पीआर टीम ने मुझे कह दिया कि आप स्टेज पर मत आइए, क्योंकि ऐसा उस फिल्म के लीड एक्टर ने कहा है कि आप नीचे ही खड़े रहिए, अभी सिर्फ लीड एक्टर्स के बारे में ही बात की जाएगी, स्टेज के ऊपर ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, आपको अलग से मौका दिया जाएगा, आपका अलग से इंटरव्यू किया जाएगा, और मुझे स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। पूरा ट्रेलर लॉन्च खत्म हो गया, जो स्टार कास्ट थी लीड वाली वो चले गए स्टेज से, और उसके पीछे ही मीडिया भी चली गई, ऑडियंस भी चली गई, और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। और ये मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत बड़े शर्म की बात थी, बहुत दुख हुआ मुझे। लोग अंदाजा लगाने लगे कि आखिर ये किस फिल्म के साथ हुआ। तो लोगों ने निकाला कार्तिक आर्यन की फिल्म लुका छिपी का, इसमें अपार शक्ति खुराना थे और स्टेज के ऊपर ट्रेलर लॉन्च के मौके पर वो वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्तिक आर्यन भी आउटसाइडर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ये कुछ और बात होगी, लेकिन लोगों ने यही निकाल के रखा है कि कार्तिक आर्यन ने ही ऐसा किया था। दूसरी चीज जो मैंने देखी कि स्त्री टू के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी अपार शक्ति खुराना वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है वहां पर, सचिन जिगर तक दिखाई पड़ रहे हैं, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बाकी के कलाकार हैं, वो सब दिखाई पड़ रहे हैं सिवाय अपार शक्ति खुराना के। अब आप इन दोनों ही फिल्मों में से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी फिल्म हो सकती है, या तो स्त्री टू होगी या फिर लुका छिपी होगी, क्योंकि दोनों ही के ट्रेलर लॉन्च की वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, और दोनों में ही आपको जो अंदाजा लगाना है लगा लीजिए कि आखिर अपार शक्ति खुराना को इतनी इंसल्ट का सामना क्यों करना पड़ा। पीआर टीम ने किसके कहने पर स्टेज से उतर जाने को कहा कि आप स्टेज पर मत आइए, आपको अलग से मौका दिया जाएगा, जबकि वो भी टीम में उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने कि बाकी के कलाकार थे।